हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू भुक्कड़ फूड लैब। आज की वीडियो में हम मकई का मिस्सी पराठा बनाना सीखेंगे, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले ये हमने एक बाउल बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स को हमने दरदरा पीस लिया है। हमें इन्हें बारीक नहीं पीसना है। ये हमारा एक कप बेसन है। ये हमारी दो मीडियम साइज़ की प्याज हमने बारीक काट लिए। ये हमारा एक कप मकई का आटा है। ये हमारा एक छोटी चम्मच हमने जिंजर पेस्ट ले लिया है। ये एक चौथाई छोटी चम्मच हमने हींग ले ली है। आधी छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच हमने गरम मसाले लिया है। ये दो कप हमने गेहूँ का आटा लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बेसन डाल देंगे, उसके बाद मकई का आटा, उसके बाद ये स्वीट कॉर्न, उसके बाद जिंजर पेस्ट, उसके बाद प्याज, अब हम एक के बाद एक मसाले डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, हींग, गरम मसाला और इन सारे मसालों को सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं आटे में अच्छी तरीके से। मसाला हमारा हमने आटे में मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम गूंथ लेंगे। तो आटा हमारा गूंथ गया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आटे को हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके लोइयां बनाकर पराठे बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले लोई बना लेंगे। लोई हमारी रेडी है। अब हम इसे सूखे आटे में लपेट कर बेलना शुरू करेंगे। ये हमें थोड़ा मोटे ही बेलने हैं। बेल गया है। अब हम तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर, घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इस पे पराठा रख कर इसे सिकने देंगे। पराठा हमारा एक तरफ से हो गया, अब हम इसे पलट देंगे और इधर घी लगा देंगे और इसे दूसरी साइड से सिकने देंगे। अब हम इसे पलट कर इस साइड भी घी लगा देंगे। इसे थोड़ा सा चम्मच की सहायता से तरीके से इसमें थोड़े से छेद कर देंगे, जिससे कि घी अंदर तक चला जाए। अब इसे इसी तरीके से धीमी आंच पर 2 मिनट और सिकने देंगे, उसके बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। पराठा हमारा सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मक्के के मिस्से पराठे हमारे रेडी हैं। आप इन पर बटर लगाकर अचार के साथ खाइए। बहुत ही खस्ता बनेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।